हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ द इन्फाइनाइट सीरीज़। और यहाँ पे मैंने इससे पहले आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं स्टूडेंट, वो मैंने बेसिक्स ऑफ दिस सीक्वेंस एंड सीरीज़ एंड व्हाट इज़ द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट और व्हाट इज़ द बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस एंड जो भी कंसेप्ट्स मैंने आपके सामने यूज़ किए हैं, वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। उसके बाद जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है और एक पी सीरीज टेस्ट या इसको हेल्पिंग टेस्ट भी बोलते हैं उस पर मैंने आप बात करी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटी बारा, यहाँ पे आप जाके मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं स्टूडेंट। मेरे पुराने वीडियो और भी हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, आईआईटी जेम के लिए और गेट के लिए, और पुराने जो स्टूडेंट आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जो भी गवर्नमेंट का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम या आपके जो भी एमपी के स्टेट के एग्जाम जो निकलते रहते हैं स्कूल टीचर के लिए, वो भी बहुत हेल्पफुल कंटेंट मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो स्टूडेंट आप मेरे वीडियोज यहाँ देख सकते हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें सो दैट मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले कोचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है। सो कोचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, यहां पे हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की और इंटीग्रेशन से हम कनेक्ट करेंगे सीरीज को, है ना। तो ये बोलता है कि इफ फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1 fx बी ए पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन, है ना। ये यहां पे क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमें पहले ध्यान रखना है कि वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। तो ये टेस्ट लगाएंगे तो यूजफुल रहेगा, राइट। वैल्यू ऑफ एन, देन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इज कन्वर्जेंट इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा, है ना। मतलब ये होगा कि ये जो भी दे रखा है अगर ये कन्वर्जेंट होगा, अगर इसकी वैल्यू फाइनेट होगी, है ना। कन्वर्जेंट मतलब इंटीग्रेशन का कन्वर्जेंट होने का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइनेट आ रही है ना। अगर वो वैल्यू फाइनेट नहीं आ रही और इनफाइनेट आ रही तो फिर वो डाइवर्जेंट होगा, राइट। तो अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो ये कन्वर्जेंट होगा, अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो ये डाइवर्जेंट होगा। अब स्टूडेंट यहाँ लिमिट की बात होती है, 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, अगर बाई चांस हमारी जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है सॉरी, अगर वो 2 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ 2 हो जाएगा, अगर ये 4 से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है, अभी यहाँ कैसे हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो ये 1 टू इन्फिनिट है ना, क्योंकि इन्फाइनाइट सीरीज की सीक्वेंस है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, वो पहली से स्टार्ट हो रही है, 5 से स्टार्ट हो रही है, वो उसकी लोअर लिमिट को डिसाइड करेगा, अपर लिमिट तो भैया इसकी क्या है, इनफाइनिटी ही है, क्लियर। अगर ये वैल्यू कन्वर्जेंट नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, डाइवर्जेंट। और इस पे बेस्ड हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, अब बात करते हैं कि यहाँ पे अब स्टूडेंट बोलता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये टेस्ट लगाना है। नॉर्मली मैं कमेंट्स में भी देखता रहता हूँ, स्टूडेंट बार बार पूछता रहता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये लगाना, तो भैया आपको वैसे नॉर्मली बाय नेम पूछेगा कि यूज द कोची इंटीग्रल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस, राइट। अगर बाई चांस नाम से नहीं पूछता तो यार अपन जो मर्जी पड़े वाला टेस्ट लगा सकते हैं, जो फिट हो रहा है वो आप लगा दीजिए, है ना। और ये जितने भी मैथमेटिक्स है, अगर मैथमेटिक्स को अच्छा करना तो भैया प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती है। तो प्रैक्टिस करिए, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपको यूज करना है यहाँ पे, क्लियर है। सो यहाँ देखिए आप, इसी मैं आपके सामने भी एग्जांपल दूँ, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने पी सीरीज टेस्ट के बारे में बात करी, तो भैया अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो इसका एन हमारा वो कितना आ रहा, 1/n² आ रहा है ना। तो 1/n² है, तो 1/n^p और पी की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, 2 है ना, जो पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, है ना, बाय द पी सीरीज टेस्ट। पर भैया आपको पी सीरीज टेस्ट नहीं बोलना है, आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोची इंटीग्रल टेस्ट यूज करो, तो आपको कोची इंटीग्रल टेस्ट यूज करना पड़ेगा, इससे नहीं कर सकते आप, है ना। पर अगर बाई चांस किसी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आपको ये पता लगाना, तो यार आप पी सीरीज टेस्ट लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। खैर अभी यहाँ पे बाई नेम एग्जाम में पूछ रहा है तो हम कैसे उसको उस कंसेप्ट से हम इसको पता करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो यू एन आएगा वो कितना आएगा, तो यू एन आएगा इसका 1/n² और इसको हम मान लेंगे यहाँ पे एफ एन, है ना, ठीक है, क्योंकि फंक्शन। अब हम बात करेंगे इसके एफ एक्स की, है ना। अगर एफ एन 1/n² है तो स्टूडेंट एफ एक्स कितना होगा, 1/x² होगा। अब ये एफ एक्स हमने पता कर लिया, अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पता करेंगे, है ना। नाउ 1 to infinitive एफ एक्स डी एक्स, दैट इज 1 to infinitive 1/x² डी एक्स की वैल्यू पता करेंगे कितनी आ रही है ना। तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट वो कितना होता है, -1/x होता है, और माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, है ना। ये आएगा 1 to infinity। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 1/∞ -1/1, और 1/∞ तो 0 हो जाता है, और ये इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही, 1 आ रही, और ये फाइनाइट आ रही है, क्या आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे, फाइनाइट आ रही है ना। सो 1 to infinity एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, सो बाय कोचीज टेस्ट समेशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट बहुत ईजी है,
अभी आपके सामने एंड टर्म खोलो, एंड टर्म में जहां पर एन है वहां पे क्या रख दो, एक्स रख दो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो भैया कन्वर्जेंट है, नहीं आ रही तो वो डाइवर्जेंट है, राइट। तो इस पर मैं एक दो क्वेश्चन और आपके सामने लूंगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे यूज द कॉची इंटीग्रल टेस्ट टू शो द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि इसका जो यू एन है वो क्या है। तो यू एन देखेंगे आप तो इसका जो एन टर्म है वो क्या होगी, तो ये आ रहा 2, 3, 4, तो स्टूडेंट 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये 2 से स्टार्ट हो रहा, तो मतलब ये एन प्लस 1 होगा और ये इससे बड़ा है तो ये होगा एन प्लस 2, तो ये मेरा एफ एन होगा। अगर स्टूडेंट ये एफ एन है तो मेरा जो एफ एक्स होगा वो कितना होगा, 1/(x+1)(2) एक्स प्लस 2 होगा, जहाँ पर एन है वहाँ एक्स रख दिया। नाउ हम बात करेंगे 1 to ∞ एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो स्टूडेंट 1 to ∞ x+1 × x+2, और स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू पता करेंगे यार इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर इसकी वैल्यू फाइनेट आ रही है तो फिर ये कन्वर्जेंट होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। सो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 1/(x+1)+b/(x+2), तो स्टूडेंट इस x की जगह क्या रखूँ कि a 0 हो जाए, तो इसे x की जगह रखेंगे -1, -1 पे a 0 है तो इसको छुपाओ, और जहाँ पर भी x है वहाँ -1 रखो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/(1), और इस x की जगह क्या रखूँ कि b 0 हो जाए, -2, ये -2 इसको छुपाओ और यहाँ रखो, तो -2 + 1 तो ये आ जाएगा आपके पास, b की वैल्यू आएगी 1/(-1), दैट इज इक्वल टू -1, तो ये a और b की वैल्यू आ गई, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो आएगा 1 to ∞ 1/(x+1), और b की वैल्यू -1 आ रही है तो ये आएगा x+2 × dx। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा log(x+1) - log(x+2) 1 to ∞। नाउ इसको हम इस तरह से लिखेंगे log a by b हो जाएगा, तो ये आएगा log(x+1)/(x+2) 1 to ∞। और स्टूडेंट यहाँ पे जैसे हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे है ना, तो यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे, तो मैं इसको x को ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/(1)x, और ये आएगा 1/(2)x। मैंने x को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, अब मैं इसको इन्फिनिट रखूँगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे मैं यहाँ रख देता हूँ इसको, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 to ∞ f(x) dx, तो ये आएगा हमारे पास log, यहाँ पे जैसे 1 x की जगह इन्फिनिट रखें तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा log(1) - जहाँ पर x में आप 1 रखेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा आपके पास 2/(3) नीचे आ जाएगा 3, है ना। तो स्टूडेंट हम जानते हैं log(1) कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी log(2/3), या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 to ∞ f(x) dx की वैल्यू ये उल्टा कर दीजिए तो ये आएगा log(3/2), और देट इज इक्वल टू फाइनाइट, है ना। सो 1 to ∞ f(x) dx इज कन्वर्जेंट, है ना, बाय कॉचीज रूट कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट समेशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पे लूंगा, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन वो देखिए, शो दैट द सीरीज 1 समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ 1/(n)p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1 and 0। सो स्टूडेंट ये जस्ट हेल्पिंग टेस्ट है जो, या p सीरीज टेस्ट है जिसको हमने इससे पहले वाले वीडियो में यूज किया था, वो कवर यहाँ पे प्रूफ करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे un इज इक्वल टू 1/(n)p, और ये हमारा क्या होगा, fn होगा। अगर ये हमारा fn है तो स्टूडेंट मेरा जो fx होगा वो कितना होगा, x/p होगा। नाउ हम बात करेंगे 1 to ∞ f(x) dx, दैट इज 1 to ∞ 1/(x)p dx लेंगे, पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, जब p की वैल्यू 1 है तो 1/(x) होगा, और 1/(x) का इंटीग्रेशन log(x) होता है, और अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस वाले केस में इसका इंटीग्रेशन अलग होता है, मतलब दो टाइप के फार्मूले यूज होते हैं ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, जब p इज इक्वल टू 1 होगा तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, log(x) होगा, और ये 1 to ∞ जाएगा, और जब p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा स्टूडेंट, भैया p ऊपर जाएगा तो -p + 1 क्या आएगा यहाँ पे, 1 से ∞ आएगा, क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आगे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो आप आगे देखेंगे कि जैसे हम p की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 रखने पर ये कितना आ जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 to ∞ f(x) dx इज इक्वल टू
ये कितना आएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी होगी, जब p इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। और अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि p x से छोटा है ना, यहाँ पे जो p है अगर ये x से छोटा है, अगर x से छोटा होगा, लाइक मैं आपसे बोलता हूँ x से छोटा मैं वैल्यू लेता हूँ, कुछ भी ले लो, लाइक 2 ले लो या 3 ले लो, है ना, मतलब x से छोटी वैल्यू लोगे तो x से छोटी वैल्यू पे ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव आएगा तो ये x नीचे चला जाएगा, और x को अगर इन्फिनिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी स्टूडेंट हमारे पास, मैं इसको दो तरीके से अलग अलग करता हूँ, अगर x से बड़ा ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ मैं x से छोटा ले रहा हूँ, तो ये आएगा x पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी 1 टू इन्फिनिटिव, और यहाँ लूंगा मैं x पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी 1 टू इन्फिनिटिव, है ना, क्योंकि यहाँ पे x से बड़ा आ रहा है ना, तो x से बड़ा में x से बराबर वैल्यू भी आ रही है, और यहाँ पे क्या आएगा, नॉट सॉरी दिस इज नॉट इक्वल टू 1 लीजिए, सॉरी ना, बी एक से बड़ा है और एक बराबर नहीं है ना, अब बराबर नहीं है तो उसमें एक से छोटा भी आएगा और एक से बड़ा भी आएगा, राइट। अब एक से छोटा आएगा तो जैसे ही एक से छोटा आएगा स्टूडेंट ध्यान देने की, जैसे ही एक से छोटा आएगा तो एक से छोटा आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक से छोटे में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही एक से छोटा आएगा तो इस वाले केस में यह भी क्या आएगा, बराबर 1 पे इन्फाइनाइट हो जाएगा, और ये भी लेस देन 1 पे भी ये क्या जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू एक से बड़ी होगी तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी 1 टू इन्फिनिटिव। और मैं आपसे बोलूँ कि जब पी की वैल्यू एक से बड़ी आएगी तो मैं आपको बताऊँ, जैसे एक से बड़ी आएगी, देखो अभी ये क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मैं आपके सामने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ स्टूडेंट। एक से छोटी वैल्यू लेते हैं, एक से छोटी माना कि पी की वैल्यू ले ली मैंने 0, एक से छोटा है, जैसे p की वैल्यू 0 रखोगे स्टूडेंट तो ये x पावर 1 हो जाएगा, और x पावर 1 रखोगे तो x की पावर x की जगह इन्फिनिट रखोगे तो ये पूरा इन्फिनिट हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे p की वैल्यू 1 से बड़ी है, माना 1 से बड़ी ले ली हमने वैल्यू 2, जैसे हम 2 रखेंगे तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 माइनस 2 दैट इज x की पावर माइनस 1, और x की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन x, और जैसे ही x की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे कि ये मैंने क्या किया है ना, आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा लेस देन इक्वल टू 1, और जैसे मैं इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट रखूंगा तो ये क्या आएगा, 0, और x की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 1 माइनस पी, वेयर पी इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, पी इज लेस देन इक्वल टू 1, और पी इज ग्रेटर देन 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन पी माइनस 1, और जैसे पी एक से बड़ा है तब इसकी वैल्यू क्या आ रही, फाइनाइट आ रही। तो क्या होगा यहाँ पे, मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ पी इज ग्रेटर देन 1, क्यों, क्योंकि पी इज ग्रेटर देन 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, एंड डाइवर्जेंट इफ पी इज लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज स्पेस की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फाइनाइट आ रही है। सो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरा जो ये वीडियो है आपको समझ में आया होगा, अगर आपको तकलीफ आ रही तो प्लीज़ अपनी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे मेरे जो चैनल वीडियोज़ हैं इनको आप शेयर कर सकते हैं मेरे फ्रेंड के साथ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे चैनल पे, यहाँ पे मैं आपके सामने और भी अच्छे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं आगे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, अगला जो टेस्ट है वो है डिलिमिट रेशियो टेस्ट। सो डिलिमिट रेशियो टेस्ट क्या होता है इस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।